हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्लेन सेकेंडरी। तो हम लोग बात कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के स्टेनो ग्रुप ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर का जो पोस्ट है उसके जो है प्रैक्टिसेट देख रहे थे। ठीक है, तो उसी के क्रम में नेक्स्ट प्रैक्टिसेट होगा जो कि प्रैक्टिसेट नंबर 10 है। इसके पहले 9 प्रैक्टिसेट हो चुका है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है चैनल पर जाइएगा, आपको वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का प्रैक्टिसेट नंबर 10वां स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके नए पाठ्यक्रम के अनुसार टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाना है। तो फुल प्रैक्टिसेट है, ठीक है, आप लोग भी साथ में करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले दिया गया इसमें हिंदी के टॉपिक के 25 क्वेश्चन ये देखेंगे, फिर इसके बाद जीएस के, फिर इसके बाद मैथ के, फिर इंग्लिश के देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनमें से ऑप्शन दिया गया है कुछ इस तरीके से। पहला ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, दूसरा ऑप्शन है अरि ओ करुणा प्रभामय, तीसरा है हरी घास पर क्षण भर और चौथा है महावृक्ष के नीचे। ठीक है, इसमें कौन सी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, आंगन के पार द्वार जो है इनकी पुस्तक है और इसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, कुछ तरीके से दिया गया है। निम्नलिखित तो प्रश्नों में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना जो ये बताता है कि या का उच्चारण स्थान कौन है, मतलब कि या का उच्चारण स्थान कहाँ से इसको उच्चारित किया जाता है। तो ये जो है इसका उच्चारण स्थान ताल है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ताल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 गद्यांश से दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो इस गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गद्यांश से उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। ठीक है, जब गद्यांश आप पढ़ेंगे तो आपको शीर्षक इसका निकल के आएगा साहित्य और सौंदर्य। ठीक है, साहित्य और सौंदर्य के बारे में बातें कही गई हैं उपरोक्त गद्यांश में, तो आंसर ये पाठ हो जाएगा। कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है, तो गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर आ जाएगा बी पाठ, उसकी मनोहरता, आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, सौंदर्य की परख की जाती है किसके आधार पर किया जाता है, तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन, मनोहरता के आधार पर किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी गद्यांश से ही है और इसमें जो पूछा गया कि सुंदर वस्त्र जो होती है किसे संतुष्ट करती है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा इंद्रियों को संतुष्ट करती है गद्यांश को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांशानुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यापक और विस्तृत है इनमें से, तो गद्यांश के अनुसार जब आप पढ़ेंगे इसमें तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, मनोहर के बारे में बातें कहेगी तो मनोहर हो जाएगा आंसर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है, इनमें से ब्रज बोली है, अवधि बोली है, बुंदेली बोली है और खड़ी बोली है, तो किसमें जो है कर्ता कारक के विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो बोली आती है अवधि बोली। अवधि बोली में कर्ता कारक के विभक्ति जो होता है कर्ता का क्या होता है विभक्ति ने होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताना है कि वर्णों के कितने भेद हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए वर्णों के भेद होते हैं टोटल 2 और एक होता है उसमें स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, तो यही होता है 2, आंसर सी आप समझ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हमें बताना है कोई सही तद्भव रूप क्या है। ठीक है, अम्लिका का तद्भव रूप क्या होता है, तो अम्लिका का तद्भव रूप होता है इमली। ठीक है, इमली का तत्सम रूप क्या होता है, अम्लिका होता है, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से दिया गया है कि कौन सा इसमें से पर्यायवाची की दृष्टि से सही विकल्प है। ठीक है, कपड़ा का दिया गया है पट और परिधान, चंद्रमा का दिया गया है अर्क और पतंग, हवा का दिया गया है गवाक्ष और दरीचा, देवता का दिया गया है राक्षस और धनु। ठीक है, यहाँ बताना है कि इसमें कौन सा सही रूप से पर्यायवाची लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ए पाठ हो जाएगा, कपड़ा का दिया गया है पट और परिधान, तो कपड़ा का पर्यायवाची पट भी होता है और परिधान भी होता है, तो ये सही है। बाकी चंद्रमा का जो अर्क दिया गया है और पतंग दिया गया ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अर्क जो होता है रस मदार या फिर आहार, इसका पर्यायवाची होता है। चंद्रमा जो होता है उसका सिद्ध चंद्र, राकेश, राकापति, निशाकर, सुधांशु, इंदु, मयंक, ठीक है, ये सभी जो है चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। पतंग के पर्यायवाची में देखेंगे तो ये नाव का पर्यायवाची है, तो इस तरीके से गलत हो जाएगा। फिर है हवा, हवा का गवाक्ष और दरीचा देगा जो कि गलत है। गवाक्ष होता है झरोखा, ठीक है, और दरीचा का अर्थ होता है छोटा दरवाजा या फिर खिड़की, और हवा एक अलग होता है, तो ये दोनों इसके पर्यायवाची नहीं होंगे।
देवता का राक्षस पर्यायवाची नहीं होगा, धनुष भी नहीं होगा, धनुष जो होता है ये भी राक्षस का ही पर्यायवाची होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार विकल्पों में से दिए गए विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। सर्वनाप का विपरीत क्या होगा? सर्वनाप का विपरीत होता है शानदार। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बताना है अनेकार्थी शब्द। आत्मा का एक और अनेकार्थी शब्द के रूप में बताना क्या हो जाएगा? तो आत्मा का एक हो जाएगा ब्रह्म। एक अर्थ क्या होता है? ब्रह्म होता है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि बताना है कि वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प कौन सा था। ठीक है, दो जो थोड़ा जानता है, इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जो थोड़ा जानता है उसको हम कहेंगे अल्पज्ञ, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से क्या है? अनिल का अर्थ क्या होता है? तो अनिल जो होता है, अनिल का अर्थ होता है, या अनिल का व्यवाची हवा होता है, और अनल का होता है आग। तो आंसर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया चार विकल्पों में से उस विकल्प बताना जो शुद्ध रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यद्यप का प्रयोग किस प्रकार से सही रूप से इसमें है ये बताना। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यद्यप के साथ तथापि प्रयोग होता है, जो कि डी पार्ट में लिखा हो, बाकी सारे गलत है। क्योंकि यहाँ पे यद्यप के साथ किंतु लगा हो, जो कि गलत है। यद्यप के साथ यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, भी गलत है। यद्यप के साथ परंतु लगा है, भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शब्द का सही चयन करना है पुल्लिंग शब्द। एकाकिनी का पुल्लिंग क्या होता है? तो एकाकिनी का पुल्लिंग हो जाएगा एकाकी। ठीक है, एकाकिनी एक स्त्रीलिंग शब्द है और एकाकी जो है पुल्लिंग शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप बताना है बिंदिया। बिंदिया का बहुवचन इनमें से ऑप्शन में दिया गया कौन सा सही है? तो बिंदिया का जो बहुवचन होता है वो ए पार्ट में लिखा हुआ बिंदिया, जो कि सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत हैं। अगले प्रश्न में हमें सही अपादान कारक की पहचान करना है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कहाँ पर अपादान प्रयोग किया गया है? तो देखिए, से जो होता है वो अपादान कारक की विभक्ति होती है, और से ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अलग होने के अर्थ में से जहाँ लगता है वहाँ अपादान कारक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस सर्वनाम की पहचान करिए जो निजता का बोध कराता है। तो निजता का बोध जो कराएगा वो होगा निजवाचक सर्वनाम। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिस संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण वाला विकल्प चुनना है। अभ्यास से इसका विशेषण क्या बन सकता है? तो अभ्यास का विशेषण बनेगा अभ्यासी, जो कि सिद्धि पाठ में दिया गया है अभ्यासी। अगला प्रश्न है, नदी बहती है, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? ठीक है, देखिए नदी बह रही है या नदी बहती है, जो वाक्य दिया गया है इसमें अगर देखा जाए तो नदी जो है लगातार जो है बह रही है, वो रुकेगी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा? नित्यता बोधक में आ जाएगा। हदम हर वक्त अनवरत बह रही है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी वाक, नित्यता बोधक। चलिए, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता हो? तो क्रिया के इस रूपांतर को क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाएगा काल। क्या कहा जाएगा? काल कहा जाएगा। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, इसमें से बताना है कि उस सही विकल्प का चयन करना जो बताता है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहा जाता है? तो जहाँ पे कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है वहाँ होता है कर्मवाच्य। तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। ठीक है, और कर्ता के अनुसार अगर क्रिया में परिवर्तन हो तो कृतवाच हो जाएगा, और भाव के अनुसार अगर क्रिया में परिवर्तन हो तो तमाम भाववाच हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, हमें रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद बताना है। ठीक है, वह पकड़ा गया लेकिन वह सिपाही था। अब यहाँ पे लेकिन शब्द रेखांकित किया हुआ है, तो इसका बताना है कि किस प्रकार के अव्यय के भेद के अंतर्गत आएगा। तो ये देखिए, लेकिन की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आता है समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जो है रखा गया है? तो जो कानपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका नाम जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के निम्नांकित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है इनमें से? ठीक है, तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, भारत में। ठीक है, कालागढ़ जो बांध है ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ेगा उत्तराखंड में। ठीक है, मांगला बांध की बात करेंगे तो ये पड़ता है पाकिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है, और सलाल बांध जो है जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान वाला कौन सा हो जाए? मांगला बांध। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसने 2022 दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? करंट अफेयर को आपको 2023-24 वाला देखना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अरविंद चिदंबरम। ठीक है,
6 सितंबर 2022 को सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर शुरुआत हुआ था? तो ये शुरुआत हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एएस भारत के किस क्षेत्र के लिए जो है उपयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है तमिलनाडु तट के लिए, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय क्या है? 2022 का विषय था लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, ठीक है। अभी आपको 2024 वाला देखना है, 2024 वाला, 2024 का जो विषय था वो था मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के जरिए जीवन बचाना, इसका जो है इस बार का थीम रहा था। और ये कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मनाया जाता है, ये होता है टीकाकरण सप्ताह, ठीक है, 30 अप्रैल तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी ये अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए टोटल 50 सांसदों की आवश्यकता होती है समर्थन की, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो टोटल अगर देखा जाए तो 77.73% जो है अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आबादी जो है निवास करती है, ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म जो है किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा डी पार्ट, फर्रुखाबाद जिले में इनका जो है जन्म हुआ था, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें शामिल जो देश नहीं है, अगर बात करें उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से टच करती है, मध्य प्रदेश भी टच करती है, झारखंड भी टच करता है, लेकिन ओडिशा राज्य टच नहीं करता, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, ओडिशा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक हेतु आपूर्ति, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? तो सार्वजनिक आपूर्ति के लिए पानी का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से लेकर 8.5 के मध्य रहता है, तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये किया गया है गोरखपुर जिले से, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानवाधिकार आयोग के कार्य का उल्लेख किस धारा में किया गया, ठीक है, इसका आंसर क्या है? तो मानव अधिकार के कार्य का उल्लेख जो है ये धारा 12 में किया गया है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो जीएसटी परिषद का गठन संविधान का अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 279 के ए में जो है किया गया है, बातें कही गई हैं, तो आंसर ए सी पार्ट करेक्ट है। चलिए अप्रैल 2022 को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा को लेकर दुष्प्रचार फैलाने वाले कितने यूट्यूब न्यूज़ चैनल को जो है ब्लॉक किया गया है? तो वो टोटल हुआ है 16 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया गया, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है, कौन से दिन को किया जाता है विश्व मलेरिया दिवस? तो विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन होता है 25 अप्रैल को हर साल, तो आंसर डी ऑप्शन राइट, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको 2023-24 का पढ़ना है। 2 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो ये किया था भोपाल में, ठीक है। मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता था? तो मास्टर दा के नाम से सूर्य सेन को कहा जाता था, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है, मास्टर दा इन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती है कौन से क्षेत्र में? तो सबसे ज़्यादा मौसम बेरोजगारी जो होती है वो कृषि क्षेत्र में होता है, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 से 29 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास NCX इंडिया का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इस बुक का नाम लेखक कौन है, अथर कौन है? तो उनका नाम है राजेश तलवार, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो इनमें से कौन सी सभा होगी? तो उस सभा का नाम है विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते लेकिन इसको हम समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो वह थे सतीश महाना, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन किस मैच किसके द्वारा जो है खेला गया था? तो ये खेला गया था कतर और इक्वाडोर के मध्य। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अब 51 नंबर क्वेश्चन से अब हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन, तो चलिए इसको लगाते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, विवाह के समय एक जोड़े मतलब पति पत्नी की औसत आयु दिया गया था 25 वर्ष, ठीक है, 3 वर्षों के बाद उनके उनके 2 वर्ष का बच्चा भी हो गया, इसके बाद हमें बताना उस परिवार की वर्तमान औसत आयु कितनी होगी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आगे। तो चलिए इसको कैसे लगाया जाएगा, तो देखिए पति पत्नी की औसत आयु कितना दिया गया है, वो दिया गया है 25 वर्ष। अगर इनकी कुल आयु इन दोनों की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 गुणे 2 यानी कि 50 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 वर्षों के बाद, तो 3 वर्षों के बाद अगर देखा जाए तो 3 वर्ष पति भी 3 वर्ष बढ़ेगा, पत्नी भी 3 वर्ष बढ़ेगी, तो टोटल अगर देखा जाएगा तो कितना बढ़ेंगे, तो 3 + 3 यानी कि 6 वर्ष बढ़ जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष बाद उनके 2 वर्ष का बच्चा है, यानी 3 वर्ष के बाद 2 वर्ष का बच्चा भी आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं तो टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 50 + 50 पहले था, इसके बाद 3 वर्ष के बाद 6 वर्ष ये जुड़ जाएगा और प्लस 2 वर्ष का बच्चा, तो ये जुड़ जाएगा, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, 50 से 56 = 58 वर्ष, 58 वर्ष आ गया। अब इनका हमें पूछना है कि वर्तमान में इनकी औसत आयु, तो ये कुल आ गया, तो औसत आयु एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालते हैं जितना है उनका योग बटे जितनी संख्या उनकी उनसे भाग करेंगे, तो 58 इनका तीनों का योग आ गया और 3 हैं पति पत्नी और बच्चे, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 58/3। तो इस तरीके से 58/3 जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 19 × 19 = 57, 1 बचेगा तो 1 ऊपर लग देंगे, 3/3 हो जाएगा, तो 19 से ही 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 से ही 1/3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो है दिया गया है बी पार्ट में, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी चीज़ों के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसके बाद उसे उन चीज़ों पर 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य को लागत मूल्य मतलब खरीद मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत रखना चाहिए, ज़्यादा कितना प्रतिशत जो है ज़्यादा रखना चाहिए, यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको लगाते हैं 10%, 10% क्या करता है, छूट देता है अंकित मूल्य पर, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो इसको 1/10 रेशियो में हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये MRP है अगर, तो उस पर 1 रुपये की छूट देता है, तो वो कितने में बेचता है, 9 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। ये पहले लाइन से बातें निकल के आ गई। अब इसके बाद कह रहा है कि तदनुसार उसे उन चीज़ों पर 8% का लाभ प्राप्त करना है, तो 8% का लाभ प्राप्त करेंगे मतलब कि 8/100 करेंगे, तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 8 4 × 25 = 100 यानी 2/25 आ जाएगा, ठीक है। 2/25 आ गया यानी कि 8% का लाभ प्राप्त करना, यानी कि 25 रुपये की सामान अगर हम 27 रुपये में बेचेंगे तभी जो है हमारा क्या 8% का लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे CP यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा 25 रुपये और SP यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 27 रुपये, ठीक है। तो अब पूछा क्या गया है सवाल, 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य को लागत मूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा में रखना चाहिए। तो अंकित मूल्य यानी कि MRP हमारा 10 है, लागत मूल्य हमारा 25 है और हमें 8% का लाभ प्राप्त करना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम सेलिंग प्राइस जो है उसको हम बराबर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अंकित मूल्य और लागत मूल्य में हमें कंपेयर करना है। तो सेलिंग प्राइस 9 है, यहाँ पे 27 है, तो इसको अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 10 × 3 = 30 और 9 × 3 = 27, तो सेलिंग प्राइस जो आ गया मतलब विक्रय मूल्य वो आ गया 27 रुपये। अब अंकित मूल्य हमारा 30 रुपये हो गया, लागत मूल्य हमारा 25 रुपये है, तो कितना ज़्यादा हो गया, तो 25 - 30 - 25 5 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। 5 रुपये ज़्यादा है किस पर जाता है, 25 रुपये पर, इसको 100 कर देंगे तो हमें इसको परसेंटेज में पता चल जाएगा कि लागत मूल्य से कितना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 50 - 25 5 से इसको काटेंगे, 5 × 10 = 20 आएगा, तो 20% ज़्यादा रखना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20%, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 20%, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। तो इस तरीके से इसको हम लगाएंगे तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
53 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि 15 वस्तुओं की लागत मूल, मतलब कि दिया गया है 15 वस्तुओं की लागत मूल, मतलब क्रय मूल्य। तो 15 ऑफ सी पी इज इक्वल टू, ये दिया गया है 12 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि 12 ऑफ एस पी के बराबर है, सी पी एस पी। ठीक है, तो लाभ परसेंट लाभ प्रतिशत लाभ बढ़ाना, तो इसको अगर रेशियो बदलते हैं तो ये 12 सी पी के अंदर आ जाएगा और एस पी के नीचे आ जाएगा 15। ठीक है, यहाँ से अगर देखते हैं कैंसिल करते हैं तो 4 3 4 12 और 3 5 15, 4 रुपये का सामान खरीदते हैं, 5 रुपये में बेचते हैं, तो यहाँ पे कितना होता है लाभ, 1 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, 1 रुपये का लाभ किस पर होता है, 4 पर होता है, तो यहाँ इसका परसेंटेज अगर लग निकालेंगे प्रॉफिट का, तो इस तरीके से 100 से हम गुणा कर देंगे, तो 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, तो 25% उसका प्रॉफिट हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा, उसका लाभ हो जाएगा, जो कि दिया गया सी पार्ट में। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल एक और स्वयं से भाग हो जाए, विभाजित हो, मतलब स्वयं मतलब अपने से और एक के अलावा और किसी से वो विभाजित ना हो, तो उन्हें हम कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है जो संख्या दी गई है 1001 दिया गया है, 1003 दिया गया, 1007 दिया गया, 1009 दिया गया, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 1001 देखना है कि किससे डिवाइड होती है, तो 1 से डिवाइड हो जाएगी, प्लस ये किससे और डिवाइड होगी, तो 11 से भी ये विभाजित हो जाएगी, तो ये जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, 1003 को अगर देखते हैं तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगी, प्लस ये 17 से भी विभाजित हो जाएगी, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद 1007 अगर देखते हैं तो 1 से डिवाइड हो जाएगी, प्लस 19 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगी अभाज्य संख्या। 1009 की अगर हम बात करेंगे तो ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगी और अपने से डिवाइड होगी, तो यही अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, यही क्या होगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी, जो कि हमारा डी पार्ट में दिया गया, तो डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, और वो चाहता है कि उन्हें इस तरह लगाएं कि ताकि पंक्तियों और स्तंभों की संख्याओं में एक समानता रहे, तदनुसार उसे इसके लिए कम से कम कितने पौधे की अतिरिक्त ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चूँकि 1000 जो दिया गया है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसलिए, लेकिन ये जो है 1000 अगर देखा जाए तो ये 31 के स्क्वायर से बड़ा है और ये 32 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 के ठीक अगर बाद वाला लेते हैं 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1024। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखते हैं तो आवश्यक अतिरिक्त पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 1024 माइनस 1000, यानी कि 24 पौधों की हमें ज़रूरत और पड़ेगी आवश्यक जो अतिरिक्त होगी, और जब 24 पौधे अतिरिक्त उसमें लगा देंगे तो वो जो है स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या होगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 24 पौधे और इसलिए ज़रूरत, इसलिए हमें इसका पूर्ण वर्ग निकालते हैं, पूर्ण वर्ग के बाद इसमें जो इसके आगे वाला पूर्ण वर्ग है उससे हम घटा देंगे तो उतनी संख्या हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा इसका 24, आंसर क्या जाएगा इसका 24। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, 56 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 8% की बढ़ोतरी हो जाती है, तदनुसार यदि उस वस्तु की वर्तमान कीमत 20,000 रुपये हो तो 2 वर्षों बाद उसकी कितनी कीमत होगी, ये पूछा गया है। तो देखिए 8% की बढ़ोतरी होती है, मतलब कि 8/100 अगर करते हैं तो ये आ जाता है 2/25। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले साल 25 था, फिर हो गया 27। ठीक है, इसके बाद फिर ये बढ़ा अगले साल, तो 25 से फिर 27 हो गया। अब अगर हम इनको दोनों को वर्क करेंगे तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 27 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रेशियो हमें दिया गया है कितना, 20,000 वर्तमान जो आया, तो 25 का स्क्वायर रेशियो के बराबर हो जाएगा 20,000 रुपये, और यहाँ से एक रेशियो निकालेंगे तो 20,000/25 का स्क्वायर मतलब 625 होता है। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32 के, तो एक रेशियो बराबर 32 के, तो इस तरीके से हम 27 स्क्वायर रेशियो का मान निकालेंगे, 27 स्क्वायर का मान होता है 729। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 27 रेशियो मतलब 729 इंटू
एक रेशियो का मान 32 से गुणा करेंगे। इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपको मान आएगा 23,328। तो इतनी संख्या 2 साल बाद इसकी हो जाएगी उस गांव की, ठीक है। तो 2 वर्षों बाद उसकी कीमत कितनी, तो उसकी कीमत कितनी है कि 23,328 रुपया 2 वर्ष बाद हो जाएगा। तो यही हमें बताना था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि तीन संख्याओं का अनुपात, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है तीन संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका गुणनफल 10,290 है। तो वो संख्याएं क्या होंगी? तो ये तीन संख्याएं जो अनुपात दिए गए, 2x मान लेते हैं, 2x हो गई, 3x हो गया और 5x हो गया, ठीक है। तीन संख्याओं की इनका गुणनफल करना है, तो 2×3=6, 5×6=30 एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 30x का क्यूब बराबर कितना दिया गया है? ये मान दिया गया 10,290। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 10,290/30। सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 3×3=9, 1 बचेगा, 3×4=12, 3×3=9, तो एक्स क्यूब बराबर 343। तो 343 किसका क्यूब होता है? फिर 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर माना जाएगा 7 के। तो अब संख्या क्या क्या हो जाएगी? संख्या अगर बात करें तो 2x माना था तो 2×7 कर देंगे तो 14 हो जाएगा, 3x माना था तो 3×7 कर देंगे तो 21 हो जाएगा, और 5x माना था तो 5×7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5×7=35। तो हमारी संख्या जो होगी वो 14, 21 और 35 हो जाएंगे, ठीक है। 14, 21 और 35 हो जाएगा, जो कि दिया कहाँ गया है, 14, 21 और 35 जहाँ पे दिया गया वही आंसर हो जाएगा। और ये इस तरीके से सी पार्ट इसका राइट है, सी पार्ट क्या है, राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा? देखिए समद्विबाहु मतलब अगर दो भुजाएं बराबर हो किसी त्रिभुज की तो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु, और जब दो भुजाएं बराबर होती है और उस पर जब लंब डाला जाता है, मतलब कि इस तरीके से देख लीजिए, ये मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो यहाँ से जो मध्यिका जाएगी इसका क्या करेगी, इसको दो पार्ट में जो बराबर डिवाइड करेगी, इसका कितना मान दिया गया, 6 सेंटीमीटर दिया गया मान। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसको याद रखिएगा, क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का होता है h² / √3, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले में हम मान रख देंगे, h² का मान है 6, तो 6×6/√3 हो जाएगा, 6 को हम 2×3 लिख सकते हैं, ठीक है, 2×3/√3 हो जाएगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 6×2×3 को हम √3×√3 लिख सकते हैं, यहाँ से √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, 6×12 √3 cm², और यही क्षेत्रफल हो जाएगा 12√3 cm², जो कि सी पार्ट में दिया गया, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो मध्यिका का स्क्वायर अपान √3 कर देंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, अगर मध्यिका दिया हो तो इस टर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, 59 में दिया गया है कि आकाश ने एक धनराशि डाकघर में 12% वार्षिक ब्याज पर 4 वर्षों के लिए जमा किया, उतनी ही धनराशि एक बैंक में 15% वार्षिक ब्याज दर पर 5% के लिए जमा किया, 5 वर्षों के लिए जमा किया, तदनुसार यदि उन दोनों स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर जो है 1,890 रुपये का हो तो जमा की गई प्रत्येक धनराशि कितनी थी? चलिए तो यहाँ पर हमें निकालना है बेसिकली मूलधन, ठीक है, यानी कि पी का मान निकालना है। तो मूलधन हम कैसे निकालेंगे, अब दोनों का जो है अंतर, दोनों के ब्याजों का अंतर दिया गया है 1,890 रुपया, तो हम पहले वाले का ब्याज निकाल लेंगे, दूसरे वाले का ब्याज निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे तो हमारा 1,890 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका अंतर। तो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें लगाएंगे पी, मूलधन मान लेते हैं पी है दोनों का प्रत्येक का, तो यहाँ पे पी अगुणे दूसरा 15% पर 5 वर्षों के लिए जो है ब्याज हो जाएगा p×RT/100, तो ये हो गया। पहले वाले का क्या हो जाएगा, p×12×4 वर्षों के लिए लगाया गया, तो ये दोनों का आ गया सिंपल इंटरेस्ट, और ये बराबर दिया गया है, दोनों को घटाएंगे तो 1,890 आता है, इस तरीके से इसके बराबर करें। यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे,
जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसका मान निकल के आ जाएगा कितना, देखिए पी बटे 100 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 15 × 5 मतलब 75 माइनस 12 × 4 मतलब 48 बराबर ये 1890 के, ठीक है। पी अपान 100 75 माइनस 48 ये हो जाएगा 27 के बराबर हो जाएगा 1890 के, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 75 करेंगे उधर तो क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 1890 × 100/27, ठीक है। इसको हम काट पीट लेंगे, 9 से काटते हैं तो 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 210 आ गया, ठीक है। इसको और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 7 = 21, 70 आ गया, तो पी बराबर 70 × 100 आ गया जो कि ये हो जाएगा 7000 के। तो हमारा मूलधन प्रत्यय कितना था, 7000 रुपये। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट 7000, यही हमें निकालना था, 7000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन की एक व्यक्ति 350 मीटर प्रति मिनट की गति से घुड़सवारी करता है और 6 किलोमीटर बाद अपना घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुक जाता है, तदनुसार उस व्यक्ति को 84 किलोमीटर की दूरी तक जाने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैसे लगाएंगे, चलिए हर 6 मिनट पर जो है वो अपना घोड़ा बदलता है, 6 किलोमीटर मतलब चलने के बाद वो अपना घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, तो चलिए इसको हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका चाल क्या दिया गया है, चाल चाल बराबर दिया गया 350 मीटर प्रति मिनट दिया गया, ठीक है, मीटर प्रति मिनट दिया गया। इसको अगर हम किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे, 350/60 से डिवाइड करेंगे इंटू 18/5 इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 7 बार जाएगा 35 हो जाएगा, 6 से 3 बार ये जाएगा 18 हो जाएगा, तो टोटल इसका कितना आ जाएगा, 21 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आएगी घोड़े की। अब ये बिना रुके कितना समय लेगा, टोटल कितना है, टोटल दिया गया 84 किलोमीटर की दूरी, तो बिना रुके ये कितना समय लेगा, अगर ये बिना रुके चलता है घोड़ा, बिना रुके समय कितना लेगा ये बात करना, तो बिना रुके अगर चलेगा तो 84 किलोमीटर की दूरी चलता है 21 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, तो ये चलेगा 4 घंटे, ठीक है, 21 × 84 तो 4 घंटे में जो है 84 किलोमीटर चल डालेगा। लेकिन कह रहा है कि ये रुक रहा है हर 6 मिनट, हर 6 किलोमीटर के बाद 6 मिनट के लिए, तो रुकने के बाद इसका लगा समय क्या हो जाएगा, ठीक है, लगा समय, रुकने के बाद इसका लगा समय क्या हो जाएगा, ठीक है, जब ये रुकता है तो कितना स्टॉपेज लेता है, 6 हर 6 किलोमीटर पर ये स्टॉपेज लेता है, तो मतलब 84 किलोमीटर है तो हर 6 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि ये 14 बार रुकता है, ठीक है, 14 बार जो है रुकता है। अब ये कितने मिनट रुकेगा, तो 6 मिनट रुकता है तो 14 × 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 × 84, तो 84 मिनट रुकता है टोटल, ठीक है, 84 मिनट क्या करता है, रुकता है टोटल, मतलब कि 84 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 1 घंटा 24 मिनट आ जाता है, ये 1 घंटा 24 मिनट ये ओवरऑल रुकता है, तो टोटल समय कितना हो जाएगा, कितना समय लगेगा, तो टोटल लगता है 4 घंटे उधर लगता है प्लस 1 घंटा 24 मिनट ये लगता है, ठीक है, तो 4 × 1 = 5 घंटा हो जाएगा प्लस 24 मिनट हो जाएगा, तो 5 घंटा 24 मिनट जो है इसको लगेगा, टोटल समय 5 घंटा 24 मिनट लगेगा, ठीक है, 5 घंटे 24 मिनट इसका समय लगेगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें 5 घंटे 18 मिनट लगा है, 6 घंटे 17 मिनट, तो इसकी देखिए चारों ऑप्शन गलत, ये आंसर हो जाएगा 5 घंटे 24 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक आयत तथा एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं, तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, देखिए आयत के परिमाप और वर्ग के परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2 × लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप ये बराबर है वर्ग के परिमाप के, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो एक तरीके से प्रमेय है, इसको सिद्ध करना, इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, जिसमें दिया गया कि आयत का क्षेत्रफल इज ग्रेटर देन वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, या फिर दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, या फिर वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा आयत के क्षेत्रफल से, या फिर क्षेत्रफलों की तुलना संभव नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, जो इसका परिमाप होता है 2l+b, मतलब कि लंबाई घन चौड़ाई बराबर भुजा अगर वर्ग का मानते हैं तो 4a हो जाता है। ठीक है, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो यहाँ से अगर l+b निकालते हैं, l+b बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a/2, यानी कि 2a आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम a बराबर निकालते हैं तो l+b/2 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, मतलब कि a × a हो जाएगा, यानी कि a × a, और ये बराबर दिया गया लंबाई धन चौड़ाई बटे 2। तो यहाँ से हम इसके मान को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, l+b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, l² + b² + 2l × b/4, यह मान आ जाएगा। यह हो गया क्षेत्रफल वर्ग का। ठीक है, यह हो गया क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। अब हम मान लेते हैं कि जो लंबाई है, मतलब कि l है, कोई भी संख्या मान लेते हैं जिसमें l 6 है, और चौड़ाई मतलब कि b 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए मानने के लिए आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन इसमें आपको एक ध्यान देना बात कि चौड़ाई से लंबाई ज़्यादा ही मानिएगा। ठीक है, क्योंकि आयत का जो होता है लंबाई, अगर देखा जाए तो लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होगी तभी वो आयत बनेगा। तो इस मान को हम रखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, l² + b² मतलब 6² + 4² + 2lb, मतलब कि 2 × 6 × 4/4। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है 36 + 16 + 48/4। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो 100/4 आ जाएगा, यानी कि 25 m² आ जाएगा, 25 m² वर्ग आ गया। और इसी जो माना गया, इसी के अनुसार अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आ जाता है, l × b होता है फार्मूला। ठीक है, तो l × b मतलब 6 × 4, 6 × 4 हो जाएगा, तो 6 × 4 क्या होता है, 6 × 24 m². तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो है छोटा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा और आयत का क्षेत्रफल छोटा हो जाएगा, तो यानी कि सी पार्ट इसके सिद्ध हो जाता है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको विश्वास नहीं तो यहाँ पे एल का मान आप दूसरा ले लीजिए और बी का मान दूसरा ले लीजिए, मतलब जो भी लेना एल उसमें बड़ा होना चाहिए। फिर इसके बाद इसी फार्मूले पर रखिए और इस फार्मूले पर, इन दोनों पर रखिए, फिर देखिए क्या मान निकल के आता है। जो भी मान आएगा इसी तरीके से आएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और आयत का क्षेत्रफल कम होगा। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है कि यदि एक्स बराबर, ठीक है, दिया क्या दिया गया है, यदि एक्स बराबर 1 √2 + √3 हो, तो मान हमें निकालना x+1/x-1 का मान। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन मानों को हम इसमें रख देंगे, x का मान रखते हैं, तो x का मान 1 √2 + √3 + 1/1 + √2 + √3 - 1 दिया गया है। तो ये -1 - 1 - 1 +1 से कैंसिल हो जाएगा और फिर ये आ जाएगा 1 √2 + √3 और प्लस ये आ जाएगा 1/√2 + √3। ठीक है, अब हम इसके क्या है, जो जो हर में जो √3 + √2 + √3 है, तो इसको हम जैसे प्लस में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब √3 + √2 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कर देंगे √3 + √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि हर में जो दिया गया उसके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा,
जब रूट लगा होता है क्या होता है, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ हम इसके माइनस वाले पार्ट से दोनों साइड गुणा करेंगे, ठीक है, माइनस रूट टू हो जाएगा, माइनस रूट टू, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, दोनों साइड गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं, वन प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस ये आ जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू अपान करके, ये देखिए क्या लिखा हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर मतलब कि थ्री माइनस रूट टू का स्क्वायर मतलब टू, तो तीन माइनस दो नीचे हो जाएगा वन, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ अब ऊपर देखिए, माइनस रूट टू प्लस रूट टू से कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से क्या बचेगा, वन प्लस रूट थ्री बचेगा, ठीक है। तो वन प्लस रूट थ्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री यानी कि टू रूट थ्री बचेगा, तो वन प्लस टू रूट थ्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 63। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है दिया गया है, दिया गया है कि यदि एक्स वास्तविक संख्या हो मतलब रियल हो, तो हमें इसका जो है न्यूनतम मान पता करना है क्या होगा। तो देखिए कंसेप्ट इसमें हम लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो, जो है कंसेप्ट होता है डिफ्रेंसिएशन वाला, उसको हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब इसमें जो वैल्यू ऑफ एक्स दिया गया है वो मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम निकालते हैं इसका डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो इसको हम करेंगे डिफ्रेंसिएट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दिया गया है क्या, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन, इसी का हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये निकल के आएगा, अगर इसमें हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे डिफ्रेंसिएट, तो ये एक्स के ऊपर जो बिंदु स्क्वायर है ये आ जाएगा आगे, तो यानी कि चार में गुणा हो जाएगा, चार दुनी आठ हो जाएगा और इंटू एक्स बचेगा वहाँ पे, ठीक है। फोर एक्स में क्या हो जाएगा कि एक्स के जो वो एक्स है तो वो कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ चार बचेगा, ठीक है, और प्लस नौ, यहाँ पे कोई एक्स नहीं तो ये हट जाएगा, ये बराबर के जीरो आ जाएगा, इतना मान आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, माइनस चार हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस चार बटे आठ, चार एकम चार, चार दुनी आठ, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक बटे दो, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एक्स की, ठीक है, इस समीकरण का मिनिमम वैल्यू माइनस एक बटे दो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि यदि एक्स अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स बराबर वन हो, तो हमें मान निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये एलसीएम अगर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई बराबर वन किया जाता है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बराबर एक्स वाई की, ये मान आ गया। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रेकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रेकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करके एक्स वाई हो जाएगा, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम देखते हैं एक्स प्लस वाई एक ब्रेकेट में रखेंगे और इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें पता है एक्स वाई है, तो एक्स वाई रख देंगे माइनस एक्स वाई कर देंगे, तो यहाँ से इस मान का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो में किसी भी चीज़ को समथिंग को गुणा करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, जीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जीरो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर है कि एक्स ने एक व्यवसाय में वाई से 200 रुपये अधिक निवेश किए, तदनुसार एक्स ने अपनी पूंजी 5 महीने के लिए निवेश की और वाई ने 4 महीने के लिए, तो एक्स को लाभ के 510 में वाई से 90 रुपये अधिक मिले हैं, तो वाई का निवेश कितना था ये बताना। चलिए तो एक्स और वाई की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उन दोनों ने निवेश किए, देखिए इसमें एक जो फार्मूला होता है लाभ बराबर क्या होता है, समय गुणे पूंजी, ठीक है, समय गुणे पूंजी होता है, तो इसी बेस पर हम इसको लगाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पूंजी निवेश किया गया कितना निवेश किया गया, तो एक्स ने जो निवेश किया, मान लीजिए वाई ने बी पूंजी निवेश किया, तो एक्स के द्वारा बी प्लस 200 निवेश किया गया, ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार। तो लाभ लाभ क्या हो जाएगा, लाभ की अगर हम बात करेंगे
तो लाभ है 510 रुपये टोटल, और उसमें से 90 रुपये अधिक जो है एक्स को वाई से अधिक मिला हो, तो कितना कितना मिला? तो मान लेते हैं कि जो मान लेते हैं वाई को ए रुपये मिला, मान लेते हैं वाई को कितना मिला, ए रुपये मिला। एक्स को कितना मिला होगा? एक्स को ए प्लस 90 मिला होगा, ठीक है, और ये दोनों जोड़ के बता रहा है 510 रुपये। तो यहाँ से 2a+90 बराबर 510 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a बराबर आ जाएगा 510-90, तो यहाँ से 2a बराबर आ जाएगा 420। इस तरीके से a बराबर आ जाएगा 210, यानी कि वायु का जो वैल्यू है 210 आएगा। अब इससे 90 रुपये एक्स ज़्यादा पाता है, तो यानी कि इसमें 90 जोड़ देंगे तो 300 रुपया ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया लाभ, 300 रुपये एक्स की वैल्यू होगी, वाई का 210 रुपये। फिर अब पूंजी बटे लाभ करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा समय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाभ बटे पूंजी, तो यहाँ पे जो पूंजी है बी प्लस बी बटे 200, ये कितने समय के लिए लगाता है? तो ये 5 महीनों के लिए लगाता है, और ठीक है 5 महीने के लिए लगाता है। और जो बी है मतलब वाई है, वाई जो है बी की पूंजी जो है ये कितने महीने के लिए लगाता है? तो 4 महीने के लिए लगाता है। इनका लाभ क्या हो जाएगा? तो 300 इनका लाभ है एक्स का, और वाई का लाभ है 200, तो ये इसके बराबर कर देंगे। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 30 जाएगा 6 बार, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 21b+21 × 2, 21 × 2 = 4200 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 6b, इधर है 4b, तो 4b को 600 गुणा करेंगे तो 6 × 24 b आ जाएगा, 6 × 2 क्या हो जाएगा 24 b, ये आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 21 b उधर जाएगा, तो 4200 = 24b - 21 b हो जाएगा, तो 4200 बराबर ये घटाएंगे तो 3 b हो जाएगा, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 4200 / 3, तो ये क्या हो जाएगा मान 1400, ठीक है। और b हमने माना था वायु की पूंजी, तो वायु की पूंजी हमें बताना था, वायु का निवेश कितना है 1400 रुपये, तो वायु का निवेश हो जाएगा 1400 रुपये जो कि सी पार्ट में दिया गया है। अगर यहाँ x की पूछता तो 200 रुपये अधिक निवेश किया है तो 1600 हो जाता है x की, लेकिन b की पूछा है, y की पूछा है तो 1400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कंसेप्ट के माध्यम से लगाएंगे तो आंसर इसका हो जाएगा 1400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 66, ठीक है। क्या दिया गया कि यदि ब्याज की अवधि 3 महीने हो तो 15000 रुपये का 9 महीने का 8% वार्षिक दर पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब समय जो दिया गया है कितना दिया गया, 9 महीना, ठीक है। तो 9 महीने का अगर समय दिया गया है तो देखिए, अगर 1 साल में देखते हैं तो 3 किस्त में देना, 3 अवधि जो है 3 महीने, तो 3 3 3 मतलब 3 3 6 3 9 3 12, 1 साल में 4 किस्त बनता है, तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, 9 से इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 36 महीना बन जाएगा, यानी कि 3 वर्ष बन जाएगा, ठीक है, 3 वर्ष आ जाएगा। और जब इसमें 4 से समय में करते हैं तो जो परसेंटेज दिया गया 8% जो दिया गया दर, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2%, ठीक है। तो 3 वर्षों में हमें 2% देना है, 2% देना है, तो इसका निकालते हैं, 2% का 2/100 करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/50, ठीक है। अब ये वैल्यू दिया गया हमें कितना, 15000 का निकालना है, तो 15000 का वैल्यू हमें 3 महीने के 3 साल का जो है हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 1/50 ये हो जाएगा इसका 1/50 अगले साल, फिर इसका 1/50 अगले साल कितना आएगा, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 300, तो पहले साल का जो है ब्याज 300 हो जाएगा, दूसरे साल में भी 300 आएगा, तीसरे साल में भी 300 आएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर साधारण ब्याज पूछता तो यही हो जाता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इसका भी 1/50 अगले साल लगेगा, तो ये हो जाएगा 5 × 3 यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 रुपये इसका बन जाएगा, 300 का इसका लगेगा, 6 रुपये इसका हो जाएगा 1/50, और फिर तीसरे साल 1/6 के भी 50 लगेगा, तो यानी 6/50 रुपये ये हो जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है, और तीसरे साल इसका भी जो है 6 रुपये आएगा, तो इस तरीके से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा,
कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा 3 + 3 + 3, 3 × 3 = 6, 3 = 900, और ये 6 × 6 = 6, 6 × 3 = 1800, तो 918 + 6/50, 6/50 की वैल्यू क्या होती है, इसको अगर हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.12 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 918.12 रुपये इसका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, और 918.12 इसका रुपया आंसर हो जाएगा जो कि बी पार्ट में दिया गया। तो इस तरीके से लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 है कि दिया गया है वैल्यू पी बटे पी क्यू के प्रकार प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। संख्या यह दिया गया है 0.679, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, -0.072 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ पे इसका हमें जो है बदलना है पी बटे क्यू, मतलब भिन्न में बदलना है इसको। तो भिन्न में अगर हम बदलना है तो ये जो ऊपर जो डंडी लगी होती है, बार लगा होता है, ये जहाँ तक लगा होता है उसको हम लिखेंगे 0.6679 के ऊपर लगाओ, तो यहाँ पे और नीचे उतरे ही 9 लिख देंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे 0.72 के ऊपर लगा हुआ, तो यहाँ पे 3 × 9 हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे क्योंकि एलसीएम बराबर है 999, तो 679 में से 0.72, मतलब 679 में से 72 जब घटेगा तो क्या बचेगा, 679 में से 72 जाएगा तो बचेगा 607, 607/99 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 999 जो कि बी पार्ट में दिया गया, ठीक है, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, 607/999। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। दिया गया दो अलग अलग संख्याओं को किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 547 और 349 आता है। जब उसी भाजक से उन दोनों संख्याओं के योग को भाग देते हैं तो शेषफल 211 आता है, तो भाजक ज्ञात करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए चीज़ें अगर जो दिया गया है, मान लेते हैं भाजक कितना है x1 है, ठीक है, तो x1 को कोई संख्या या y1, तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, मान लेते हैं r1 आता है, ठीक है। अब x1 से ही किसी दूसरी संख्या को मान लेते हैं 2 y2 है, इसको अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, r2 आता है, ठीक है। अब इसी तरीके से दिया गया है कि x1 से ही हम जब भाग देते हैं किसी, इनके दोनों को जोड़ को y1 + y2 को जोड़ के अगर हम भाग देते हैं तो इनका जो है शेषफल क्या आता है, कोई तीसरा आता है, मतलब R3 आता है, ये दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में इस तरीके दिया गया है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो इसका एक कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है इसमें, इसमें कंडीशन होता है कि x1 मतलब भाजक बराबर हो जाता है R1 + R2 - R3, ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन को हम इसमें अप्लाई करेंगे इसी वाले क्वेश्चन में, x1 का मान हमें निकालना है, r1 का मान हमें पता है कितना है 547 और r2 349 और r3 है 211, तो इसी को हम लगाएंगे 547 + 349 - 211, ठीक है, 547 और 349 को जोड़ेंगे तो 896 - 211 आएगा, इसको अगर हम घटा देते हैं तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 685, और यही हमें निकालना था, x1 बराबर भाजक है, 685 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सी पार्ट में दिया गया, ठीक है, इस कंडीशन को आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 69 नंबर क्वेश्चन, देखिए इस तरीके से दिया गया है, ए बी और सी की आय का अनुपात दिया गया है और उनके व्यय का अनुपात दिया गया है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी और सी की बचत का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है। चलिए इसमें अगर आप देखते हैं तो दिया गया है ए बी सी की आय का अनुपात कितना है, 7:9:12, ये आय हो गया। व्यय कितना दिया गया है तो 8:9:15 के दिया गया, ये व्यय हो गया, ठीक है। बचत का अनुपात हमसे पूछा गया है, बचत का अनुपात क्या किया गया हमसे पूछा गया है। अब दिया गया है कंडीशन इसमें कि ये अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर क्या होगा, बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय, जितना कमाया है और जितना खर्चा किया है उसको घटाएंगे तभी बचत निकलेगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं ए का जो है 7x आय है और बचत जो है व्यय कितना है 8x है, तो बचत क्या हो जाएगा, तो 7x का 1/4 भाग बचाता है, ठीक है, आय कितना है 7x है, व्यय कितना है 8y है, ठीक है, व्यय को हम y मान लेंगे। तो इस तरीके से ये जो है बन जाएगा क्या वैल्यू, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी,
ये बचत हो गया इस तरीके से। अब फिर इसके बाद हम व्यय निकालेंगे। व्यय बराबर क्या हो जाएगा, व्यय बराबर होता है आय माइनस बचत, आय माइनस बचत होता है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो आय बराबर हो जाएगा 7x माइनस बचत कितना है, 7x इंटू 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21x/4। ठीक है, 7x इंटू 21x 3/4 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम एक देखिए इसको एक स्टेप आगे ले दें, इसको हम दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ से 7x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 7x यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से लिजन लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से एक जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको हम गुणा करें तो 30x/4 आ जाएगा, ठीक है। ये आया 21x/4, ये आ जाता है वाई के बराबर। 21x/4 क्या आ गया, वाई के बराबर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दिया गया ये वाला, इस पर हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा 21x/4, 8 × 4 हो जाएगा वाई बराबर। तो यहाँ से 21x/8 = 32 हो जाएगा, वाई बराबर कितना आएगा, 21x/32 आ जाएगा, ठीक है। ये मान आ गया। अब बचत बचत देखिए क्या बचत की दिया गया, तो बचत अगर देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया 7x आय है, 8x व्यय है, तो इसका बचत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x - 8y, और दूसरे का बचत कितना हो जाएगा, 9x - 9y, तीसरे का कितना हो जाएगा बचत, 12x - 15y, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, इनको हमें अनुपात में लिखना है, तो अनुपात में हम लिखते हैं 7x - ठीक है, 7x - 8y अनुपात 9x - 9y अनुपात कितना हो जाएगा, 12x - 15y के, ठीक है। तो यहाँ पे मान हम रखेंगे 7x - 8y, वाई की जगह पर 21x/32 रखेंगे, तो 8 × 21x/32 हो जाएगा अनुपात 9, यहाँ पे कॉमन होगा x - y, वाई की जगह पर 21x/32 हो जाएगा, फिर अनुपात 12x - 15y, तो 15y की जगह पर 21x/32 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, काटते पीटते हैं तो 8 × 32 4 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 7x - 21x/4, फिर अनुपात इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो 32x - 21x, तो 9 × हो जाएगा 9x/32, अनुपात यहाँ पे कटेगा पिटेगा क्या, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो अंदर अगर हम बात करते हैं तो 12 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा 3 × 128x - 105x, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, आपका मान यहीं पर आ जाएगा अनुपात में, ठीक है। 7x यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7 × 28 - 21 जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x/4 अनुपात के हो जाएगा, 9 × 9 = 81x/32 के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 11 9 99 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 9 99 99x / 32 अनुपात के, यहाँ पे 128 में से 105x जाएगा, तो बचेगा 3 × 23x/32, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ देखिए एक्स एक्स तीनों जगह पर है, तो तीन जगह से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से बचेगा क्या, 4 से हम सब में गुणा कर देंगे, तो 4 से सब में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो होगा, मतलब सॉरी 32 से गुणा करेंगे, तो 32 को गुणा करेंगे तो 4 नीचे दिया गया यहाँ पे, तो यहाँ जब 32 होगा तो 4 × 8 = 32 8 बचेगा, तो 8 × 56 हो जाएगा यहाँ पे अनुपात भी बचेगा। यहाँ से 32 32 कैंसिल हो जाए तो 99 बचेगा अनुपात में, फिर यहाँ से 32 32 कैंसिल हो जाए, 3 × 23 बचेगा, तो 23 × 3 = 69 बचेगा टोटल। तो आपका फाइनली जो बचत का अनुपात कितना आ जाएगा, 56 / 99 = 69, ठीक है। 56 / 99 = 69 आ जाएगा आपका बचत का रेशियो, और यही हमें बचत वाला निकालना था, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा,
आंसर इसका हो जाएगा 56:99:69। 56:99:69 इसका राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया कि एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर 80, इसका मान 80 दिया गया है तो सी का मान, इसका मान पूछा गया है। तो देखिए जो चक्रीय चतुर्भुज बनता है मतलब किसी वृत्त के अंदर, तो उसके आमने सामने की भुजाओं का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 - 80 और ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो सी का मान यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बताना, उस सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या होगी, 71 नंबर में दिया गया है कि क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर² है और विकर्णों की लंबाइयों का योग मतलब कि d1 + d2 बराबर दिया गया है 17 सेंटीमीटर। अब हमें उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना। अब जो समचतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई ये समचतुर्भुज हो गया तो इसका जो विकर्ण है ये 90 डिग्री पर अपने आप को काटता है, इस तरीके से प्रतिच्छेदित करता है। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 × d2। ठीक है, क्षेत्रफल का मान यहाँ 30 दिया गया है तो 1/2 d1 × d2 हो जाएगा। यहाँ पे d1 d2 का मान क्या निकलेगा, 60। d1 d2 बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, हमें d1 + d2 का मान पता है 17 होता है, तो यहाँ से हम इसको अगर d1 + d2 का हम क्या करेंगे, इसको होल वर्क कर देते हैं तो ये हो जाता है d1 का स्क्वायर + d2 का स्क्वायर + 2 d1 d2 = 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर मतलब 289। अब d1 का स्क्वायर + d2 का स्क्वायर यहाँ से हम मान निकालेंगे क्योंकि हमें d1 और d2 का मान निकालना है। ठीक है, +d1 d2 का मान है 60, तो 60 × 120, 17 का स्क्वायर 289। ये हो जाएगा 75 करेंगे तो 289 - 120 हो जाएगा, ये हमारा निकल के आएगा 169। ठीक है, d1 स्क्वायर + d2 स्क्वायर का मान 169 आ गया। इसके बाद अब d1 - d2 का होल स्क्वायर क्या होता है, d1 - d2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो होता है d1 स्क्वायर + d2 स्क्वायर मतलब 169 - 2 d1 d2 यानी कि 2 × 60 = 120 हो जाएगा। तो 169 - 120 ये मान आ जाएगा 49, तो d1 - d2 का मान आ जाएगा 7। ठीक है, d1 - d2 का मान क्या आ जाएगा, 7। हमें d1 + d2 का मान कितना है, 17। ठीक है, d1 + d2 का मान 17 और d1 - d2 का मान 7 है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो d1 = 17 और 7 = 24, तो d1 का मान हो जाएगा 12। d1 का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस 12 को मान को हम इसमें अगर रखते हैं तो d2 का मान निकल के आ जाएगा 5। ठीक है, d2 का मान निकल के आ गया 5। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई। तो मान लेते हैं d1 का मान 12, यानी कि इसको एक यहाँ पे प्रतिच्छेदित करते हैं मतलब कि ये 6 हो जाएगा और d2 का मान है 5, यानी कि ये 2.5 सेंटीमीटर ये हो गया, 2.5 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, अब ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये समकोण त्रिभुज है, हमें कर्ण का मान निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ए है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर + 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 2.5 मतलब 6.25 = 625 = 6.25 हो जाएगा। 36 और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42.25। अब 42.25 ये ए स्क्वायर बराबर आ गया, तो ए का मान इसका वर्गमूल लेंगे 42.25 का, तो हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। और हमें यही निकालना था, हमें क्या निकालना था, सम चतुर्भुज की भुजा। अब भुजा का मान ए माना था और ए बराबर 6.5 सेंटीमीटर निकल के आएगा, जो कि हमारा मान सी पार्ट में दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से मान इसको हम निकालेंगे, तो ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति ने पुराना स्कूट 1200 में खरीदा एवं 200 रुपये उसके अनुरक्षण मतलब उसको बनाया, उसको 200 रुपये और लगाया, तो उसका खरीद मूल्य कितना हो गया, 1200 - 1400 रुपये, ये हो गया CP। ठीक है, क्रय मूल्य। अब उसके द्वारा स्कूटर को 1680 रुपये में बेच दिया गया, मतलब कि SP जो है बेचा गया 1680 रुपये, तो प्रॉफिट बताना मतलब परसेंटेज में, तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो
जीरो आठ छः में से दो चार गई दो, 280 रुपये का लाभ हुआ उसको। 280 रुपये का लाभ जो होता है उसको कितने रुपये पर होता है? 280 रुपये का लाभ उसको 1400 रुपये होते हैं। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? परसेंटेज जो निकलेगा 280 बटे 1400 इंटू 100। यहाँ से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14 ये दो बार जाएगा, 28 हो जाएगा और 20, तो 20% जो बचेगा यही इसका आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट 20% हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का कितना है? 80% है। ठीक है, 80% लागत का लागत मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य मतलब कि 80% मतलब इसको हम लिख सकते हैं 80 बटे 100 मतलब 4/5। ठीक है, तो यानी कि उसका सीपी अगर 5 है तो उसका एसपी जो है कितना है? 4 है। इसके बाद कह रहा है कि लागत मूल्य को 12% और बिक्री मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो 5 जो दिया गया है इसमें हम 12% बढ़ा देते हैं, तो 12 मान लेते हैं उसका सीपी जो है कितना है, ये 5 जो दिया गया है हम इसको मान लेते हैं सबसे पहले। सीपी थोड़ा आसानी हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो हानि है कितना हुआ? लॉस हुआ 100 रुपये का, मतलब 400 रुपये की बेचता है, 500 रुपये खरीदता है, तो 100 रुपये का हान हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें 12% की बढ़ोतरी कर देते हैं। 12% की बढ़ोतरी मतलब 12×5=60 माने 5 गुड़े अगर ऐसे निकालेंगे तो 112/100 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 560 के, 560 रुपये हो गए इसमें 12% की बढ़ोतरी का। और कह रहा है कि 400 रुपये में हम क्या करते हैं? 25% की बढ़ोतरी कर देते हैं। ठीक है, बिक्री मूल्य में 25% की बढ़ोतरी करते हैं, तो 2500 यानी कि 400 में 100 रुपये और बढ़ जाएगा, यानी कि 500 रुपये हो जाएगा उसका जो बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा? 500 रुपये। तो अब नया जो उसका हान बन जाता है वो कितना? 560 की खरीदता है, 500 में बेचेगा तो 60 रुपये उसका जो है नया हान बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब उसके हान या लाभ जो भी हुआ था उसमें परसेंटेज वृद्धि या कमी बताना है। तो 100 रुपये की पहले हान हुआ, इसके बाद 60 रुपये की हान हुआ, मतलब कि एल की अगर हम बात करेंगे तो कितना ओवरऑल हान हुआ? तो 100-60 यानी कि 40 रुपये का उसको हान हुआ। 40 का हान हुआ किस पर? 100 रुपये पर। तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज हमारा निकल के आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 40%। ठीक है, तो 40% का उसको ओवरऑल जो है कितनी कमी हुई? आंसर जो इसका है कितना है? आंसर हो जाएगा 40% की कमी। तो आंसर सी ए ऑप्शन करेक्ट है, 40% हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को अपने मासिक वेतन का 74 है, अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई घरों के खर्च पर, 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, 8% भाग अपने परिवार की बीमा राशि के भुगतान पर और 70% जो है घर की अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि वो 6000 रुपये की बचत करता तो उसका कुल मासिक वेतन क्या है? मान लेते हैं उसका कुल मासिक वेतन 100 रुपये है, 100 रुपये में उसने 15% रसोई पर खर्च कर दिया, 20% बच्चों पर खर्च कर दिया, 8% जो है अपने परिवार की बीमा राशि पर खर्च कर दिया और भुगतान पर और घर की अन्य वस्तुओं पर 17% खर्च कर दिया। टोटल ये कितना खर्चा हो गया? तो टोटल ये कितना 15+20+8+17 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 रुपये खर्चा हो गया। बचा कितना? शेष बचा 40 रुपये। तो शेष जो बचा है 40 रुपये, वही 6000 रुपये की रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो 40:6000, 1:6 कितना हो जाएगा? 6000/40। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है 1:1500। तो हमने माना था उसका कुल मासिक वेतन कितना है? 100 रुपये। तो 150 आया है 1:1 का, तो 100:1 कितना हो जाएगा? तो 150×100 रुपये, इसको अगर हम गुणा करते हैं तो आ जाता है मान 15000। 15000 रुपये उसका मासिक वेतन था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 4 से 7 है तो मूल संख्या क्या होगी? 8% जोड़ा जा रहा है, यानी कि कोई संख्या 100 है उसमें 8 जोड़ दिया जाए तो 108 हो जा रहा है और 3% फिर घटा दिया जा रहा है, मतलब कि उसी संख्या में 100 में 3 घटाते हैं तो 97 हो जा रहा है। अब इन दोनों के बीच का अंतर, प्राप्त जो अंतर है कितना है? 108-97 करेंगे तो 11:1 के प्राप्त होता है और यही 11:1 जो है बराबर दिया गया है 407 के, तो 1:1 बराबर मान दिया गया है, इसको डिवाइड करेंगे तो 37 के आ जाएगा।
ठीक है, तो हमारा जो मूल संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, तो मूल संख्या 100 माना था, 100 रेशियो में, तो 37 गुणे 100 करेंगे तो मूल संख्या हो जाएगी 3700, और यही हमें निकालना था। तो 3700 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी पार्ट में। ठीक है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थे मैथ के क्वेश्चन, अब हम देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अभी टोटल 25 क्वेश्चन बचे हैं, इनको फटाफट कर लेते हैं, इसके बाद जो है एंड करते हैं वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट पंचुएशन मार्क्स में लिखा हुआ है, बातें कही हैं। तो द मिनिस्टर सेड, अब अगर मिनिस्टर कहता है इसके बाद, मिनिस्टर ने कहा और फिर इसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ, तो ये पहले ही गलत हो जाता है, क्योंकि कहने के बाद वो फुल स्टॉप नहीं लगेगा। द मिनिस्टर सेड, यहाँ पे देखिए फिर डबल नोट का में दिया गया है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे पुलिस जो है ये भी इरर है, क्योंकि यहाँ पे कामा होना चाहिए जो कि नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लिखा तो ये भी गलत है, और यहाँ पे देखिए कामा नहीं लगा हुआ तो ये भी गलत है, इसमें चारों गलत है। लेकिन क्वेश्चन के आंसर अगर हम बात करें तो सी पार्ट सही है, लेकिन सी पार्ट जब सही होता जब यहाँ पे कामा लगा हुआ था, लगा होता। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द सफिक्स शुड बी यूज्ड इन प्लुरलाइज द फॉलोइंग वर्ड। टैक्सी को अगर हमें प्लूरल फॉर्म में बनाना है तो इसमें हम कौन सा सफिक्स जोड़ेंगे, ये कह रहा है बेसिकली क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 77 का हो जाएगा बी पार्ट, अगर हम टैक्सी में एस जोड़ देते हैं तो ये सफिक्स जोड़ने के बाद ये प्लूरल फॉर्म हो जाता है टैक्सीज इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वाइज। ठीक है, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज, इसमें से हमें बताना है कि कौन पैसिव वाइज में है क्वेश्चन। पैसिव वाइज के लिए अगर हम बात करें तो देखिए उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और प्लस थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ही टीचर्स कमिटी, तो ये एक्टिव वाइज में लिखा हुआ है। ठीक है, दे लिव इन दिस सिटी, ये भी एक्टिव में है। ही बिल बी टेकन, यहाँ पे देखिए बिल के साथ थर्ड फॉर्म लगा होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका पैसिव वाइज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच एडजेक्टिव नाउन पेयर, मतलब कौन सा नाउन ऐसा है जो एडजेक्टिव फॉर्म में दोनों सेम लिखे हुए थे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सी पार्ट की, तो कावर्ड जो है एक नाउन होता है, और नाउन इसका जो अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो कावर्डली बनेगा, जो कि सही रूप से लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वाइज, द बर्ड वाज किल्ड बाय अ क्रूअल बॉय, इसको हमें एक्टिव वाइज में बनाना है। ये लिखा किसमें है, ये पैसिव वाइज में बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्टिव बनाएंगे तो अ क्रूअल बॉय, मतलब जो बॉय के बाद जो लगा हुआ था उसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट, तो अ क्रूअल बॉय वाज किल्ड द बर्ड, तो ये हो जाएगा इसका एक्टिव वाइज, जो कि ये पार्ट में सही रूप से लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली, सिमली क्या होता है, सिमली की अगर हम बात करेंगे तो सिमली है फिगर ऑफ स्पीच, मतलब कि अलंकार है, इसको हिंदी में कहते हैं सिमली को उपमा अलंकार। तो अगले हमें एग्जाम्पल इसमें बताना है कौन सा सिमली का एग्जाम्पल है, मतलब कि उपमा अलंकार का कौन सा इसमें एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, सिमली जो होता है फिगर ऑफ स्पीच होता है, दैट कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक एज और देन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड इसमें देख लीजिए, आपको कहीं अगर लाइक मिल जाए या फिर एज आ जाए या फिर देन आ जाए, ये सभी अगर आपको वर्ड कहीं मिल जा रहे हैं तो सिमली जो है अलंकार हो जाता है। तो आई वांडर लोनली एज अलाउड, अब एज यहाँ पे लगा हुआ तो सिमली हो जाएगा यहाँ पे सही, ये पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मोटिवेशन डू इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखने के प्रोसेस में कौन सा मोटिवेशन दिया जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी पार्ट। ठीक है, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन भरना है, रामा एंड डैश वर प्रेजेंट, यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन भरा जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा रामा एंड आई। ठीक है, रामा एंड आई वर प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव वन। ठीक है, दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, इसको नेगेटिव सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस बॉय नॉट प्लेज फुटबॉल, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सॉरी इसका ऑप्शन बी नहीं होगा, इसका हो जाएगा दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिश में है, प्रेजेंट इंडेफिनिश जब नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करेंगे, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट।
चलिए अगला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब की अगर बात करेंगे तो ये एक्सप्रेस करता है वैरायटी ऑफ मीनिंग, जैसे कि एबिलिटी। एबिलिटी में जैसे कैन कुड लग जाए कहीं, पॉसिबिलिटी जैसे कि मे कुड कैन माइट ये सब हो जाता है, ठीक है। ऑब्लिगेशन जैसे कि शुड मस्ट हैव टू कैन नॉट, ये सभी आपको कहीं वर्ड मिल जाए तो वहाँ पर मॉडल वर्ब हो जाता है, वो मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ मस्ट जो लगा हुआ है ये मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस आई वुड बी अशेम्ड टू रिफ्यूज हर, द वर्ड रिफ्यूज जो है इज यूज हेयर एज एन, किस प्रकार जो रिफ्यूज इस्तेमाल किया गया है ये किस प्रकार में इस्तेमाल किया गया है, मतलब नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में या फिर वर्ब के रूप में। तो यहाँ पे जो अज्यूम शब्द है ये इस्तेमाल किया गया है वर्ब के रूप में, आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड हु इन द फॉलोइंग सेंटेंस, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यहाँ पे हु के बारे में बताना कि ये किस प्रकार इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे हु जो इस्तेमाल किया गया है वो अगर हम देखेंगे तो प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? देखिए लोनर सही है, ग्रामर भी सही है, अर्थमेटिक भी सही है, लेकिन मैथमेटिक्स गलत लिखा हुआ। मैथमेटिक्स है एम ए टी एच ई यम, इसके बाद ई नहीं होता, यहाँ पे ए होना चाहिए, एम आई एम ए टी आई सी एस, तो मैथमेटिक्स सही होता, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, ठीक है। इसमें से कौन सा मैस्कुलिन जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर इसमें से अगर हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो ड्रैक जो दिया गया है ए पार्ट, ये मैस्कुलिन जेंडर है। ड्रैक मीन्स क्या होता है? ड्रैक मीन्स नर बतख होता है, बतख, ठीक है। बतख हो जाएगा कौन सा? नर वाला। रो जो दिया गया, रो मिस होता है छोटी हिरन, ठीक है, रो मिस होता है छोटी हिरन। और दिया गया है काउंटेस, काउंटेस मतलब होता है बेगम, ठीक है, काउंटेस मतलब बेगम या फिर अमीर स्त्री। इसके बाद आता है पीहन, पीहन मतलब मोरनी। तो यहाँ पे जो मैस्कुलिन जेंडर में लिखा हुआ ड्रैग ही लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग, एंशियंट, एंशियंट का सेम मीनिंग में कौन सा इसमें लगा है? तो एंशियंट में प्राचीन, पुराना, तो एज्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर सी पार्ट, उसका मतलब ही पुराना होता है। व्हाट विल द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजार्ड, विजार्ड मतलब होता है जादूगर, और इसका फेमिनिन जेंडर क्या बनाएंगे? विच बनाएंगे, विच, तो विच राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि व्हिच चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन में बदलना है। मधुसूदन नोज हाउ टू चेस्ट, अब यहाँ पे इसको हाउ टू चेस्ट नहीं है, पे हाउ टू चीट होना चाहिए था, ठीक है, हाउ टू चीट। अब इसको हमें क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में बदलना है। चलिए 92 का आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, डज मधुसूदन नो हाउ टू चीट, तो यहाँ इसका जो है इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, प्रोनाउन में भरना है द हाउस डैश हैज ब्लू गेट इन हर, यहाँ पे जो हाउस के बाद में हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएगा हुच, ठीक है, हाउस के साथ हुच लगेगा, द हाउस विच हैज ब्लू गेट्स इज हर, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन जो हो आपको सेंटेंस हो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, मतलब व्हाई डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क, तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव, बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजंक्शन, इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो कंजंक्शन लगा हुआ है? तो यहाँ अगर देखते हैं तो एंड शब्द जो होता है कंजंक्शन होता है, और यही आंसर हो जाएगा, ही केम एंड रोट एन एप्लीकेशन, तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका 96 से लेकर 100 तक आपको पैसेज तो पढ़ना है, पैसेज के अनुसार इन चारों क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। पैसेज को आप लोग पढ़िएगा, इस तरीके से दिया गया है, और आपको 96 से लेकर 100 तक जो आपको इसकी इसी से क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है पैसेज से कि द इंटेंशन ऑफ द राइटर ऑफ दिस पैसेज इज टू, ठीक है, राइटर का इंटेंशन क्या था इस पैसेज के माध्यम से देना, तो उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो था इंटरेक्ट पीपुल ऑन द बेस्ट मीन्स ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू, ठीक है, इसका अर्थ था, आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द अथर द बेस्ट वे टू कंडक्ट इंटरव्यूज इज, ठीक है, लेखक के अनुसार सबसे अच्छा तरीका क्या है इंटरव्यू आयोजित करने का? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा टू हैव अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन विथ द इंटरव्यूज, ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वॉन्ट टू इंटरव्यू समवन,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 98। तो पैसेज को आप जब पढ़ेंगे तो आंसर निकल के आएगा इसका बी पार्ट, आई ऑट टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू वेल एंड एडवांस। ठीक है, चलो अगर मैं किसी का इंटरव्यू करना चाहते तो हमें क्या करना होगा, तो हमें उसके लिए प्लान और प्रिपेयर करना पड़ेगा तभी तो ले पाएंगे। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द इंटरव्यू इनेबल द इंटरव्यूअर्स टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, अंडरस्टैंड सेट्स ऑफ मीनिंग नॉट रेडली अवेलेबल इन रिटन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द ऑथर यूज इंडिविजुअल ओपिनियंस एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंस एज एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है सी पार्ट, साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर टू अ गिवन इंटरव्यू। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।